हाईकोर्ट के आदेशानुसार डीजे पर बैन लगाया गया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में थाना नरही के अंतर्गत लक्ष्मणपुर में ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने एक सभा में बताया कि पुलिस ने इन लोगों से डीजे के नाम पर अवैध वसूली करना शुरू कर दी है एवं प्रताड़ित करते हैं। इनका कहना है कि हम लोग डीजे वाले नहीं हैं, हम तो भारत के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री व डीएम से गुहार लगाई है, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और अब ये न्यायपालिका की शरण लेने के लिए बाध्य हो गए हैं। इन्हें उम्मीद है कि न्यायपालिका ही इन्हें न्याय दिलाएगी। ये बताइए, यूनियन ग्रुप का अपने ब्लॉक का अध्यक्ष है। क्या नाम है आपका? है सूरज सिंह। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम चौरा जी। आज इस लक्ष्मणपुर में किस प्रकार की मीटिंग है, क्या है, मजरा थोड़ा हमको बताएंगे जी। वो हम लोग जैसे कि साउंड ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, इसी के बारे में जो रोक लगा है इसी पर मीटिंग। रोक तो डीजे पर लगी है, आप तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं जी, तो इस पर हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराना है, हर चीज़ करना है, सब वो अलग चीज़ हो गई। अभी आपने डीजे पर रोक लगी है, आप लोग भारत के संविधान के अनुसार सांस्कृतिक काम करते हैं, तब किस प्रकार की मीटिंग है बताइए। पुलिस हम लोग को, पुलिस प्रशासन रोकती है हम लोग को। हम लोग बजाते हैं, मतलब ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करते हैं, तो पुलिस प्रशासन थोड़ा रोक लगा रही है, इसीलिए मतलब कहने का तात्पर्य यह है तो आप लोग डीजे के नाम पर आपको प्रताड़ित करती है, यह कहना चाहते हैं? हम लोग डीजे बजाते नहीं हैं, हम लोग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से ऑर्केस्ट्रा साउंड चलाते हैं। तो क्या आज मीटिंग में क्या फैसला किया आप लोग? सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे हम लोग मिलकर, हाईकोर्ट जाएंगे, मतलब पीछे नहीं हटेंगे। हरशंकर गुप्ता सिकंदरपुर से। क्या मामला यहाँ का है? और हम आप पत्रकार लोग को भी धन्यवाद देंगे कि हमारा सहयोग आप लोग करते हैं, हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाइए। हमें मुख्यमंत्री साहब से कहना है, मेरी रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री साहब जी, हम लोग डीजे नहीं बजाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब भी जानते हैं हमारे लोग कार्यक्रम का सांस्कृतिक कार्यक्रम लोग करते हैं, ब्याह शादी में प्रोग्राम हम लोग देते हैं, गमी तक हम लोग प्रोग्राम देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को प्रताड़ित न किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि हम लोग को प्रताड़ित न किया जाए, हम लोग को एक आदेश दिया जाए कि न्यूनतम बना दीजिए। हम लोग धीमी गति में साउंड बजाते हैं, हम लोग से कोई क्या आपने इस मामले में मुख्यमंत्री को आपने संज्ञान में दिया? संज्ञान में हम लोग फिक्स किए हैं। जब तुमको पत्र भेजे हैं जी? पत्र भेजे हैं जी। तो अभी तो कोई जवाब आया आपके पास? नहीं, अभी हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला जी। आप क्या चाहते हैं? अब प्रशासन कह रही है कि आप लोग लिखित लाइए इलाहाबाद से, तो ही हम चलने देंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, देखिए हम लोग को क्या मिलता है न्याय। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से चाहूँगा कि हम लोग को न्याय दिलवाया जाए, हम लोग डीजे वाले नहीं हैं। डीजे अगर आपको शायद न्याय नहीं मिले तो क्या करेंगे आप? न्याय हमको मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो सारे लोग रोड पर आ जाएंगे, भुखमरी की कगार हो जी, कगार हो जाएगा। हमसे एक टीम से 20 लोग जुड़े हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके घर की स्थिति दयनीय हो जाएगी, भुखमरी की कगार पर लोग हो जाएंगे। मैं सर से अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को बजाने दिया जाए, हम लोग से कहीं साउंड के लिए ध्वनि प्रदूषण कहीं नहीं होता है। हम लोग एकदम नज़दीक बैठ के कार्यक्रम का आनंद बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता हमारे सामने कोई बैठता ही नहीं। पर्चे बताइए। मैं बजरंगी, मेरा नाम बजरंगी शाह है, जो मैं बलिया से ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता हूं। और हम लोग एक आज नरही में किस प्रकार की मीटिंग है, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग नरही क्षेत्र में एक मीटिंग रखे हैं, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा यूनियन ग्रुप के सारे लोग एक संग एकत्रित हैं और हम लोग सारे लोग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलाते हैं और उसमें साउंड बजता है। प्रशासन समझती है, प्रशासन द्वारा आदेश आया है और कोर्ट द्वारा आदेश आया है कि डीजे को बैन किया जाए, डीजे बैन हो चुका है, पर हम लोग आप तो डीजे से हैं नहीं, तब क्या परेशानी है? हम बता रहे हैं सर कि हम लोग साउंड चलाते हैं तो लोग सब प्रशासन समझती है कि हम लोग डीजे बजाते हैं और उसी को लेकर के हम लोग को प्रेरित किया जाता है, हम लोग को साउंड प्रेरित की जाती है, प्रताड़ित की जाती है, जो हम लोग परेशान की जाती है, हम लोग को परेशान किया जाता है, हम लोग का साउंड उठा करके जब्त कर लिया जाता है। प्रशासन द्वारा आदेश हो रहा है कि अगर आप लोग
डीजे बजाओगे, यानी हम लोग साउंड जो बजाते हैं उसको डीजे समझ करके हम लोग का साउंड बंद कर दे रहा है, जो हम लोग चार स्पीकर लगा करके अपना ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, तो बीच में आकर के प्रशासन हम लोग का कार्यक्रम को रोक दे रही है। इस कारण हम लोग परेशान हो गए। हम लोग सारे लोग मिल करके यूनियन बना रहे हैं और इस यूनियन को ले जा करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। आप प्रशासन को समझाने की कोशिश नहीं कि भाई हम लोग डीजे वाले नहीं हैं, हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने प्रशासन से बोला पर प्रशासन उस समय नहीं समझ पाती है कि डीजे में फ़र्क क्या है और स्पीकर और साउंड में क्या फ़र्क है। दोनों को लेकर के ये समझ रही है कि हम लोग इस साउंड चला रहे हैं तो ये डीजे है, और डीजे को लेकर के हम लोग का कार्यक्रम निरस्त कर दे रही है। और हम लोग का 15 नवंबर से कार्यक्रम है और हम लोग सारे लोग परेशान हैं कि हम लोग जो सट्टा लिख चुके हैं उस कार्यक्रम को कैसे निपटाएंगे। अगर हम लोग बाई चांस अपने कार्यक्रम को फेल भी करते हैं तो प्रशासन हम लोग के ऊपर आएगी कि आप लोगों ने कार्यक्रम फेल किया है, आप लोग दंडनीय हैं। और हम लोग को प्रशासन साउंड बजाने भी नहीं दे रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अपना कार्यक्रम को पूर्ण रूप से कैसे सफल बनाएं। तो क्या है इसके लिए आपने कहीं आवेदन किया आपने? हम लोग अपने चौकी और अपने हम लोग DM आवास तक और हम लोग अपने जहाँ जहाँ प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से बात की है, पर उन लोगों ने आदेश दिया है कि हम लोगों से केंद्र से आदेश है कि आप लोग को साउंड या DJ नहीं बजाना है। क्या है कि आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आदेश आएंगे तो हम लोग आप लोग को बजाने देंगे, अन्यथा सारे सिस्टम पे बैन लगा हुआ है। इसी को लेकर के हम लोग प्रशासन हाई कोर्ट उस समय जाता आदमी जब आप बैन लगे। हाँ, आपको तो बैन लगा नहीं है। हम लोगों पे नहीं लगा है, पर क्या है कि हम लोग को डीजे वाला समझ करके हम लोगों का भी कार्यक्रम रद्द कर दिया जा रहा है। ग्वालियर में दक्षिण विधायक श्री प्रवीण पाठक आज सुबह गुड़ागुड़ी नाका इलाके में स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे। उसके बाद विधायक श्री पाठक स्वयं ऑटो रिक्शा चलाकर शहर के जिला अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष को ऑटो में बिठाकर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की सफाई व्यवस्था व सड़कों की हालत देखने को सड़कों पर निकल पड़े। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि वे अपने क्षेत्र में ऑटो रिक्शा से ही नहीं बल्कि स्कूटर से भी अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। विधानसभा में स्कूटर भी चलाता रहता हूँ, साइकिल भी चलाता रहता हूँ, ऑटो चलाता रहता हूँ। विषय ये है कि बच्चे ऑटो से जाते हैं स्कूल, बसों से जाते हैं स्कूल, तो रोडों की स्थितियाँ कहाँ बदतर हैं, कहाँ तकलीफें ज़्यादा हैं, कहाँ स्वच्छता नहीं है, कहाँ सफाई नहीं है। तो इस दौरे पे मैं निकला था तो उसमें उस दौरान कुछ समय मैंने ऑटो में भी चला, ऑटो में बैठ कर भी मैंने निरीक्षण किया। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिण विधानसभा की रोड जल्द से जल्द और बेहतर हो। पूर्व में आपने जैसे आपने स्टेशनरी बैंक का आपने घोषणा की थी कि मैं अपनी सैलरी 50% मैं बैंक में दान करूँगा, तो ऐसा क्या 50% और कुछ गरीबों में जैसे ऑटो में दिया? देखिए, जहाँ तक मैंने विधायक स्टेशनरी बैंक की देखी, तो विधायक स्टेशनरी बैंक का जो साल का खर्चा है वो तो बहुत बड़ी सैलरी से भी कई गुना अधिक है। पर हम सबके सहयोग से विधायक स्टेशनरी बैंक को बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं और उससे हमारी दक्षिण विधानसभा में जितने गरीब तबके के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से जो परिवार संपन्न नहीं, उनके बच्चों को भी काफ़ी लाभ विधायक स्टेशनरी बैंक के माध्यम से मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये समाज में उत्थान के लिए और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक कदम भविष्य में साबित हो। ये दक्षिण विधानसभा की रोडें जो कंडीशन चल रही है सर, कब तक पूरी होंगी? 15 दिवस के भीतर पूरे दक्षिण विधानसभा की रोड कंडीशन। इस चैनल के माध्यम से दिवाली की क्या शुभकामनाएं? इस चैनल के माध्यम से ग्वालियर शहरवासियों को दीपावली के पर्व पर अशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा ईश्वर सभी को समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, यही प्रार्थना। मोदी सरकार भले ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की बात कह रही हो, पर सरकार का ये दावा जिला उन्नाव शाहपुर सिंधोरा ग्राम पंचायत में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है।
इस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान सेक्रेटरी व पंचायत मित्र की मिलीभगत से लाखों रुपए बिना काम कराए ही गबन कर लिए गए हैं। मियागंज ब्लॉक प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है और इस प्रकार से हो रहे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल रहा है। गांव में इस प्रकार से हो रहे भ्रष्टाचारों से परेशान ग्रामीणों की कोई भी अधिकारी व कर्मचारी सुनने वाला नहीं है, जिसकी वजह से गांव की जनता में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नहीं बना चेता के दरवाजे से सतीश के घर तक कोई आरसीसी रोड नहीं बना हुआ है, पैसा निकाल लिया गया इसका, नानी निर्माण का काम नहीं हुआ। खड़ंजा हमारे वहाँ लगा हुआ था, पंचवर्षीय हमारे उधर लगा हुआ था, अभी वो इस तरफ रोड बनी साले नगर मार्ग में, उसको उखड़वा के उधर लगवा लिया, उसका पैसा निकलवा लिया फर्जी का। ग्राम वासियों द्वारा सुबह शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा बिना कार्य कराए ही पैसे को निकाल लिया गया है। इसके संबंध में संबंधित खंड विकास अधिकारी मियागंज को निर्देशित किया गया है कि वह स्थलीय जांच करके आख्या दें, यदि इस तरह की कार्रवाई हुई है या पैसे गबन हुआ है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर आरसी जारी करें। देवी तक कोई खड़ंजा पड़ंजा नहीं है और ना हुआ कोई मिट्टी उट्टी पड़ी है, कुछ नहीं भवा है, सब ऐसे पड़ा पैसा निकाल लीन गवा है, कोई रास्ता नहीं, कागज में कौन रास्ता है, नक्शे पर यह पूरा श्रमदान बना है, लेकिन ये हाईवे पास था रोड, उधर का उचार के इधर लग गया, तो वो अब ये तो पक्का हो गया है, नामा रोड, हाँ नामा रोड हो गया, उसका खड़ंजा उखाड़ के इधर लगा है, इधर लगा है। खुशीनगर के बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी है। एक दैनिक समाचार पत्र से जुड़े पत्रकार पर देर शाम धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। हमलावर पत्रकार को मरा हुआ समझकर वहां से छोड़कर उसे भाग गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पत्रकार को स्थानीय सीएचसी पहुंचाया। आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह की वारदात हुई हो, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे ऊपर हमला करने वाले कौन थे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं थाने पर ही था, थाने से आ रहा था, आने के बाद से ऑटोमेटिक मेरे नंबर पर टेलीफोन आया जो मेरे रिश्तेदार का बंदा, मेरे छोटे भाई का बोल रहा, मैं उससे खड़ा होकर के बात कर रहा था रास्ता बाइक पर, तो उसी बीच को किसी ने आया मेरे सर से वार किया रतिया से, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ लंबा रहा, मैं अचेत हुआ, अचेत रास्ता में उसको ऐसे पकड़ा, पकड़ने के बाद से भागने का प्रयास किया, फिर मुझे इस पर वार किया, उसका चप्पल छूट गया और वो चला गया, वहीं मैं गिर गया। क्या किसी पे कोई शक है, कौन लोग हो सकते हैं? मैं मेरी किसी से ना जमीनी कोई विवाद है, ना कोई साजिश है, ना कोई दुश्मनी है। देवरिया जनपद के देवरिया सलेमपुर मार्ग पर ग्राम पिपरा चंद्रभान गांव के पास ट्रक से मोरंग बालू उतार रहे मजदूर संजय प्रसाद की 11,000 बोल्ट के करंट ट्रक में आ जाने से मौके पर मौत हो गई। देवरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से और उनके कर्मचारियों की लापरवाही से यह हुआ है, यह घटना दुर्घटना। ग्रामीणों द्वारा लगातार कम से कम 10 बार दिया गया है विभाग को, उच्च अधिकारियों को दिया गया है, एक्सीएन साहब को, एससी साहब को, सबके संज्ञान में ये पूर्व के जो भी अधिकारी रहे हैं, मतलब इस समय तो नहीं कोई एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन पूर्व में कई बार दिया गया ग्रामीणों द्वारा इसको, लेकिन विभाग ने इसको संज्ञान में नहीं लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं किया और उच्च अधिकारी हमेशा कतराते रहे अपनी जिम्मेदारियों से, जिसका आज दुष्परिणाम आज इस गरीब मजदूर आदमी के जान से जान चला गया।